हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स की ओर से जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंड अलोन रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि हम लोग कवर करेंगे कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट से और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, नंबर्स लैक्स में दिए गए हैं। इनकम है इस बार का अगर देखा जाए तो कंपनी का इनकम जनरेट किया है 1165.5 करोड़ का, मार्च 24 में 1210.5 करोड़ का और जून 23 में 1122.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस कंपनी का 1127 करोड़ का, मार्च 24 में 1186 करोड़ का, जून 23 में 1069.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत कम है जिसके कारण प्रॉफिट रिकवर किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा हुआ जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 38 करोड़ का, मार्च 24 में 24.4 करोड़ का और जून 23 में 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का, मार्च 24 में 29 करोड़ का, जून 23 में 37.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दो वापस से डाउन हुआ क्योंकि टैक्स इस बार चार्ज का 10 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 4.8 करोड़ का ऐड हुआ था। EPS 2.44 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। कंपनी का सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑन ईयर की इनकम में इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुआ, टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और लाइटिंग सॉल्यूशंस, इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करेगा इस, तो कंपनी का जो इनकम है 1165.5 करोड़ का, मार्च 24 में 1210.5 करोड़ का और जून 23 में 1122.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 1127 करोड़ का, मार्च 24 में 1186 करोड़ का और जून 23 में 1069.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38 करोड़ का, मार्च 24 में 424.4 करोड़ का और जून 23 में 53 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 28 करोड़ का, मार्च 24 में 29 करोड़ का और जून 23 में 37.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिला है। EPS कंपनी का है अगर देखा जाए तो 2.44 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट गाइस बहुत वीक पेश किया, चाहे स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड, क्योंकि इनकम में भले ही कोई ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा, उसके बाद प्रॉफिट में डाउन है। रिजल्ट कंपनी का आया है 1250 में इसका रिजल्ट, और रिजल्ट आते गाइस कंपनी के शेयर में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, 970 रुपीज़ पर ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद वापस से रिकवर किया और 0.75% का प्रॉफिट है। 5 डे में 4% का लॉस है, 1 मंथ में 11.6% का लॉस है, 6 मंथ में 9% का लॉस है। कंपनी एक सपोर्ट लिया, अभी आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो इस प्राइस पर, कई बार कंपनी इसके पहले भी कंपनी जो है इस प्राइस पर सपोर्ट लिया था अराउंड 23 जुलाई को, तो इसलिए गाइस अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, अभी देखिए कैसा परफॉर्म करता है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कंपनी नीचे आ सकता है, लेकिन जो कि चांसेस गाइस कि नीचे आ सकती है। और अगर आप इसमें एंट्री कर चुकेगा तो आप इसको वेट कीजिए, इसको देखिए कैसा परफॉर्म कर रही है शेयर, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।